हेलो फ्रेंड्स, मैं निशिता गीतिका किचन में आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कोकोनट ड्राई फ्रूट मिल्क शेक, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है और कोकोनट यानी कि नारियल के बहुत सारे फायदे हैं। स्किन, बाल सभी के लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट कोकोनट मिल्क शेक। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने बनाया हुआ है। ये बहुत ही आसानी से, झटपट और दो ट्रिक से हम इसे घर पे बना सकते हैं। ये बाहर अगर हम पीने जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही महंगी मिलती है। तो आज हम आप सबके लिए घर पे बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और ये झटपट घर में बन के तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए कोकोनट ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट, जो पानी वाला नारियल होता है, उसे लिया है फ्रेंड्स। और इसे अच्छे से तोड़ के आप देख सकते हैं, इसके पीसेस कट करने के बाद इसके ऊपर की लेयर जो है, छिलके हैं ब्राउन कलर की, इसको हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमें सभी छिलके को निकाल लेना है। फिर इसकी पतली पतली स्लाइस या छोटे टुकड़े में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हमने यहाँ कर लिया है। फिर हमने यहाँ पे लिया है 4 से 5 दाने काजू के, और उतना ही हमने आलमंड से यानी कि बादाम के दाने लिए हुए हैं। 4 दाने हमने यहाँ पिस्ते के लिए हैं। 6 दाने हमने यहाँ पे छोटी इलायची लिया है फ्रेंड्स, ग्रीन इलायची। और यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून बड़ी साइज के चम्मच के यहाँ हमने किशमिश ली हुई है। और किशमिश का कलर जो है वो बिल्कुल ही इस तरीके से लेना है फ्रेंड्स, हमें काली किशमिश के दाने नहीं लेने हैं, पीले दाने लेने हैं। और यहाँ शुगर लिया है हमने, जेली माजा वाली चॉकलेट ली हुई है छोटी जो आती है। और हमने यहाँ क्रश करके ड्राई फ्रूट को ले लिया है। गार्निशिंग के लिए 2 ग्लास फ्रेश मिल्क लिया है और वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा है फ्रेंड्स। आप इसे चाहें तो फ्रीजर में ठंडा भी करके ले सकते हैं और आइस क्यूब भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे चटनी वाला ग्राइंडर जार लिया है और ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से साफ होना चाहिए फ्रेंड्स। तो अब हमने यहाँ पे जो नारियल के छोटे टुकड़े लिए हैं, उसे हमें ग्राइंडर जार में डाल देना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे बहुत ही बारीकी से पीस लेना है फ्रेंड्स। तो हम इसे 2 बार में पीसेंगे और हम इसमें डालेंगे कोकोनट जो हमने डाल दिया है। 2 फुल टेबल स्पून हमें यहाँ मिल्क डालना है ताकि ये अच्छी तरीके से पीसा जा सके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमने ड्राई फ्रूट लिया है, आप देख सकते हैं खड़े ड्राई फ्रूट जो हमने लिए हैं, उसे यहाँ डाल देना है। पिस्ते को भी हमने यहाँ पे डाल देना है फ्रेंड्स। और 4 छोटी इलायची डाल देना है, हरी छोटी इलायची जो हमने लिया था। और किशमिश के आधे दाने अभी डालने हैं, फिर दोबारा हम डालेंगे। और इसके कैप को यहाँ बंद कर लेना है और ग्राइंडर की जार को ऑन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है, इसमें ये दरदरा सा हो गया है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप मेरी टिप्स और ट्रिक का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप मेरी वीडियो को फुल देखिएगा पूरा, तभी आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पीस लिया है। तो हमें अब इसमें क्या करना है, फिर से हमें 2 छोटे चम्मच जितना दूध डालना है। आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ दूध डाल दिया है फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से फिर से चला के मिक्स करते हुए इसके कैप को दोबारा से हमें यहाँ लगा देना है। और फिर से हमें 1 से 2 मिनट बीच बीच में इसे बंद करके चालू करके पीस लेना है। बिल्कुल ही स्मूथ सा पेस्ट हो जाना चाहिए इसका। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोकोनट हमने यहाँ डाला था ड्राई फ्रूट के साथ, वो एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट हमें चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक बाउल लिया है और हमारा जो ये मिक्सचर है, उसे हमें इस बाउल में निकाल लेना है फ्रेंड्स अच्छी तरीके से। तो इस तरह से हमें इसमें
निकाल लेना है मिक्सचर को, और फिर से जो हमारी दूसरी मटेरियल है उसे हमें कुछ और भी डाल के पीसना है, इसलिए मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें निकाल लेना है बाउल में। हमने यहाँ पे मिक्सर को निकाल लिया है। अब हमने ये बाउल लिया है फ्रेंड्स, इसमें जो यहाँ पे नारियल के टुकड़े हैं उसे भी हमें ले लेना है और ग्राइंडर की जार में डाल देना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमने इसे डाल लिया है, और इसकी भी स्लाइस हमें कट कर लेनी है, छोटे टुकड़ों में, बड़े टुकड़ों में, जैसा भी आप चाहें। ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्सर जार में पिसा जाता है। फिर से हम यहाँ किशमिश के दाने डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने किशमिश का दाना लिया है। अब हम यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट क्रश किए हुए डाल रहे हैं, इसे हमने ले लिया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे चीनी ले रहे हैं। चीनी हमने फर्स्ट टाइम में नहीं डाला है, तो दो बड़ी ग्लास के लिए हमने 2 फुल टीस्पून यहाँ पे लिया है। टेबल स्पून नहीं यूज किया है हमने, टीस्पून लिया है छोटे चम्मच से। अब हम इसे पीसने के लिए दूध डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच, और इसकी कैप को लगा देते हैं फ्रेंड्स, और इसे भी पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे ऑन करके पीस लेते हैं, बंद चालू करके, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम पीसा था। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको यहाँ दिखला देती हूँ कि इस बार भी हमारा जो कोकोनट का पेस्ट है वो बिल्कुल ही अच्छा सा एकदम सेक आया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें इस मिक्सचर को भी इसमें निकाल लेना है बाउल में। तो फ्रेंड्स हमने इसे निकाल लिया है एक बाउल में। अब हमें क्या करना है, हमें बड़ा वाला जार लेना है फ्रेंड्स, और इसे एक ग्राइंडर में दूध के साथ डाल के मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ बड़ा वाला मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है, और इस पेस्ट को हमें इसमें डाल देना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से सभी पेस्ट को हमें अच्छे से यहाँ पे डाल देना है। तो हमने यहाँ डाल दिया है पेस्ट को फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डाल लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दूध डाल लिया है, तो हमें फिर से 1 छोटा चम्मच यहाँ पे चीनी डाल लेना है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ चीनी को भी डाल दिया है। अब हम मिक्सर जार की कैप को यहाँ पे लगा के बंद कर लेते हैं, और 1 मिनट इसे घुमा के मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसे बीच बीच में रुक के 1 मिनट तक बंद चालू करके घुमा लिया है। अच्छे से ये हमारा जो कोकोनट मिल्क शेक है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आप इसे चाहें तो छान के भी यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो बिना छाने भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखला देती हूँ, ये बिल्कुल ही स्मूथ सा तैयार हुआ है, तो हम इसे यहाँ छानने वाले नहीं हैं फ्रेंड्स। अगर इसमें बहुत ज़्यादा कड़ रहते तो हम इसे छानते, इसलिए हम इसे नहीं छानेंगे। ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में निकालेंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 सर्विंग ग्लास ले लिया है। आप इस तरीके से कोई भी ग्लास ले सकते हैं। फिर कोकोनट यानी कि हमने फ्रेश यहाँ पे कोकोनट जो लिया है उसकी स्लाइस कट करके ग्लास में गार्निशिंग के लिए यहाँ लगा देना है। इस तरीके से हमने यहाँ लगा दिया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें कोकोनट ड्राई फ्रूट मिल्क शेक को डालेंगे सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाल दिया है, और ये कितना ही बढ़िया स्मूथ सा बिल्कुल ही नेचुरली घर पे हमारा बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स 3 से 4 दाने किशमिश के हमने यहाँ पे डाले हैं, सेम उसमें भी हमें ऐसे ही डाल देना है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे इलायची हमने जो छोटी ली है उसे इस तरीके से यहाँ पे छिलके को ऐसे थोड़ा फाड़ते हुए यहाँ पे
ऐसे यहाँ पे रख देना है। पहले हमने साथ में इलायची को पीस भी लिया था फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इलायची को यहाँ रखा है गार्निशिंग के लिए। फिर हम यहाँ पे लिए हैं ड्राई फ्रूट, क्रश किए हुए हमने यहाँ ड्राई फ्रूट लिया है फ्रेंड्स। इसे हमें काजू हम यहाँ पे डाल रहे हैं कुछ, दूसरे भी ग्लास में हमने इस तरीके से डाला जैसा कि हमने कोकोनट ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बनाया है। अब हम यहाँ आलमंड्स यानी बादाम के टुकड़े को डाल रहे हैं, फिर पिस्ता के टुकड़े को डालना है फ्रेंड्स और इससे गार्निशिंग कर देना है, जो कि हमने यहाँ पे कोकोनट ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बनाया है। तो ड्राई फ्रूट से हमें गार्निशिंग करना है, तभी ये बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने इसे कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। फिर हमने जो जेली माजा का छोटा चॉकलेट लिया था, इसे हमने खोल देना है फ्रेंड्स और यहाँ इस तरीके से गार्निशिंग करने के लिए डाल देना है। ये बहुत ही प्यारा लगता है, तो हमने इसे डाल देना है फ्रेंड्स। फिर हम आप देख सकते हैं दूसरा जो हमने लिया है उसमें थोड़ा कट करना है और अपने ग्लास के ऊपर भी गार्निशिंग के लिए एक एक लगा देना है। ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं फ्रेंड्स और इसका टेस्ट जो आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कट करके भी डाल सकते हैं, तो जेली का भी स्वाद आ जाता है। तो हमने दो तरीके से आपको बताया, आप चाहें तो ग्लास पे भी गार्निशिंग कर सकते हैं और चाहें तो अपने कोकोनट ड्राई फ्रूट शेक में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो कोकोनट ड्राई फ्रूट मिल्क शेक है वो बिल्कुल ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अगर आप सबको हमारे कोकोनट ड्राई फ्रूट मिल्क शेक की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।